नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। गद्दार फ्रांस ने भारत की पीठ पर मारा खंजर। भयंकर खुलासे के बाद आज रात सो नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी। इस खूनी साजिश के कारण गणतंत्र दिवस में नहीं आए थे बाइडेन। भारत कभी नहीं करेगा माफ। गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बनने के बावजूद भारत को दिया धोखा। भारत के लोकतंत्र से खिलवाड़ करने के बाद राफेल का दाम बढ़ाया। ऋषि सुनक भी दे रहे थे गद्दार फ्रांस का साथ। तो दोस्तों भारत को समझ आ रहा है कि अचानक फ्रांस ने राफेल की कीमत क्यों बढ़ा दी है। कई सालों से भारत और फ्रांस के रिश्ते मजबूत होते आए हैं, इसके बारे में हमने हाल ही के वीडियो में भी पब्लिश किया था। लेकिन आज फ्रांस को गद्दार कहते हुए मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि जो दशकों से भारत का साथ देता आया है, आखिर वो भारत का लोकतंत्र के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। रूस के यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने के बाद भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र बन गया था फ्रांस, लेकिन भारत के सबसे भरोसेमंद पार्टनर पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रांस के इस साजिश में ब्रिटेन के भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने कुछ प्रमुख सवाल रखना चाहते हैं। क्या भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया? और क्या चीन के इशारे पर एक खास राजनीतिक पार्टी को लाखों डॉलर दिए ताकि नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बनाने से रोका जा सके? ये एक बेहद चौंकाने वाली बात है कि एक मोदी को हराने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई थी। सोशल मीडिया जिस पर ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व है, वहां मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा को अचानक बूस्ट मिलने लगा था। मोदी समर्थकों को दबाया गया, फिर भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए दोस्तों, मैं राजनीति के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अगर भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई विदेशी इंटरफेयर करता है तो ये भारत का लोकतंत्र के लिए चिंता की विषय है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो। एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है जिसमें कहा गया है कि साजिश का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना और अपने वफादार लोगों को सत्ता में बिठाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। अब आप मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? ये भारत के लोग तय करेंगे या फिर पश्चिमी देश? कुछ दिन पहले रूस की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि अमेरिका भारत के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है, जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया था। लेकिन आज ये बात सच साबित हो गई है। ये पूरी तरह साफ हो गया है कि दुनिया भारत और रूस की दोस्ती को नहीं देखना चाहती, भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहती। जब इंदिरा गांधी मजबूत हो गई थी तो उन्हें भी नीचे गिराने के लिए पश्चिमी देश एकजुट होकर युद्ध लड़ने आ गए थे। अगर भारत में कोई मजबूत नेता पद संभालता है तो पश्चिमी देशों के पसीने छूट जाते हैं, जबकि ऐसा चीन के साथ क्यों नहीं होता, जहां एक ही नेता 15 सालों से राज कर रहा है। इस बारे में मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं। रिपोर्ट में दोस्तों खुलासा किया गया है कि चुनाव तय होने से करीब 5 साल पहले ही ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में बीजेपी विरोधी मीडिया आउटलेट्स ने भारी मात्रा में कैश के बदले इस साजिश में हाथ मिलाया था। खुलासा किया गया है कि फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार को निशाना बनाकर दर्जनों लेख प्रकाशित किए ताकि उस प्रोपेगेंडा को आधार बनाकर मोदी सरकार 3.0 को रोका जा सके। फ्रांसीसी मीडिया में भारतीय चुनाव को निशाने पर रखकर एजेंडा आधारित लेख, रिपोर्ट और विश्लेषण प्रकाशित किए गए। दर्जनों समाचार पत्रों और मीडिया आउटलेट्स में प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स प्रकाशित किए गए, जिसका मकसद भारतीय चुनाव को लेकर मोदी के खिलाफ एक राय को मजबूत करना था, और इसके लिए बड़ी सावधानी से तथ्यों से छेड़छाड़ किए गए। खुलासा किया गया है कि फ्रांसीसी मीडिया में छपे ज्यादातर लेख और विश्लेषण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और बीजेपी को बदनाम करने और एक खास राजनीतिक पार्टी को भारत के लोकतंत्र के रक्षक के रूप में पेश करने के मकसद के साथ लिखा गया। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला तथ्य यह है कि सभी मीडिया आउटलेट्स ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह करार देने की रेस लगाई और दावा किया गया कि भारत पर एक डिक्टेटर का शासन है। YouTube पर भी कुछ लोग इस शब्द को खूब तेजी से उछालने लगे। क्या उन्हें भी पश्चिमी देशों से फंडिंग मिल रही थी? इस बात की जांच होनी चाहिए। डिस इन्फॉर्मेशन लैब नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने कुछ प्रमुख फ्रांसीसी समाचार पत्रों और मीडिया आउटलेट्स का डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ भारत में मतदाताओं को गुमराह करने के मकसद से अपने नैरेटिव और एजेंडों को आगे बढ़ा रहा था। खुलासा किया गया है कि इस बार आश्चर्यजनक रूप से फ्रांस के सबसे पुराने और प्रभावशाली माने जाने वाले समाचार पत्र ले मोंडे सहित फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट भी इस बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी प्रचार अभियान में शामिल हो गए हैं। डिस इन्फॉर्मेशन लैब के मुताबिक अकेले फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने बड़ी संख्या में लेख प्रकाशित किए।
जिनमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया था और उस आधार पर मोदी को तानाशाह करार दिया गया था, जो भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया से लेकर भारत की अलोकतांत्रिक प्रकृति, मुसलमानों को कलंकित करने से लेकर बढ़ती तानाशाही तक के मनगढ़ंत विषयों पर आधारित थे। दोस्तों, मैं आपको वही पढ़कर सुना रहा हूँ जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है। यहाँ मेरा अपना विचार कुछ भी नहीं है, इसे आप आसानी से गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। मेरा काम आप सभी को सच बताना है। आप सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। इस तरह के सभी एजेंडा आधारित प्रचार कथित तौर पर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर पब्लिश किए गए। ये वो अमेरिका है जो खुद को लोकतंत्र का स्वर्ग बताता है, मगर इसी अमेरिका में गलत ट्रायल चलाकर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में दोषी साबित किया गया है और उन्हें अब सजा सुनाने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम की जासूसी एजेंसियों ने भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को निशाना बनाने वाली सामग्रियों को प्रकाशित करवाया और उनका प्रचार प्रसार करवाया। फ्रांस में मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी प्रचार और यहां तक कि इंटरव्यू भी प्रकाशित किए गए, जिससे भारतीय लोकसभा चुनावों पर असर डाला जा सके। इनका नेतृत्व सीजे नाम का मशहूर राजनीतिक वैज्ञानिक कर रहा था। सीजे के लेख को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों से भारी मात्रा में समर्थन दिया गया। ये भी अफवाह है कि सीजे को चीन से संरक्षण प्राप्त है, मतलब मोदी को हराने में पश्चिमी देशों के साथ साथ चीन भी हद पार कर रहा था। सीजे की हर रिपोर्ट को फ्रांसीसी मीडिया ने उत्साहपूर्वक प्रकाशित किया, क्योंकि फ्रांस में इस प्रोपेगेंडे में सीजे ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसलिए उन्हें न सिर्फ फ्रांसीसी मीडिया पोर्टलों ने प्रमुखता से छापा, बल्कि भारतीय मीडिया में भी उनके न्यूज आर्टिकल को कोट किया गया। भारतीय मीडिया में द इंडियन एक्सप्रेस, द वायर समेत कई वामपंथी मीडिया आउटलेट्स ने सीजे के बयानों को अपने आर्टिकल में जगह दी। आपको बता दें कि सरकार से सरकार के स्तर पर बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। दशकों से भारत और फ्रांस के बीच कूटनीति और रक्षा से संबंधित रिश्ते मजबूत होते रहे हैं। यूएनएससी में और परमाणु मसले पर फ्रांस ने कई बार भारत का समर्थन किया है, लेकिन वो मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर जब जो बाइडेन ने मेहमान बनने से इनकार कर दिया था, तो मोदी सरकार के आमंत्रण को फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने फौरन स्वीकार कर लिया था, और उससे पहले फ्रांस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बतौर राजकीय मेहमान आमंत्रित किया था और पेरिस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आखिर मोदी को हटाने के लिए फ्रांस क्यों बेचैन है और उसने अचानक राफेल की कीमत हद से ज्यादा क्यों बढ़ा दी है? ये सभी स्टेप कई तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं दिन भर की खबर नहीं दे पा रहा हूँ। वैसे हमने चैनल पर सुबह में एक वीडियो पब्लिश की थी, वहाँ आप आज के मुख्य समाचार देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पांस काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।